सभी जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पोहरी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए वार्ड 5 जल मंदिर रोड एवं वार्ड 7 उत्कृष्ट विद्यालय पर नगर परिषद द्वारा आयोजित शिविर में मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री सुरेश ठाकर राठखेड़ा पहुंची और महिलाओं की ई केवाईसी कर फॉर्म भरने की प्रक्रिया सीखी और फॉर्म भरा, जहां राज्य मंत्री सुरेश ठाकर ने बताया कि सभी महिलाओं के जल्द से जल्द आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है, जिनका मंत्री द्वारा शिविरों में पहुंच निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने महिलाओं को बताया कि योजना से मिलने वाली राशि ई भुगतान के माध्यम से बैंक खाते से सीधे भेजी जाएगी। वहीं उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया फॉर्म को सही तरीके से भरा जाए, जिससे आगामी समय में ई भुगतान के दौरान कोई भी समस्या ना हो। वहीं फॉर्म भरने की प्रक्रिया में वार्ड पार्षद कृष्णलता संजीव शर्मा एवं तराना पप्पन खान द्वारा भी लगातार मुनादी कराकर सभी महिलाओं को अवगत कराकर आवेदन प्रक्रिया में सहयोग किया जा रहा है। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, और उसके लिए आज आप खुद से हम पहुंचे हैं। क्या कुछ आपने आप इनको निर्देशित किया और कब तक और बढ़ेगी? हमारे पास पर्याप्त समय है। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देश दिया है। स्टार्टिंग में इसलिए दिक्कत आई थी कि पहले तो रोजगार सहायक छुट्टी पे थे, फिर हड़ताल पर हमारे सेक्रेटरी चले गए, तो वो दो तीन दिन हमको ज़रा दिक्कत आई। फिर हमने ड्यूटी लगा के उसमें मास्टरों को लिया, पटवारियों को लिया, और हमारे सेक्रेटरी पुनः वापस आ गए। आज मैंने देखा कुछ जाके तीन बूथ देख के आया, चौथे फिर मैं जा रहा हूँ और दिन भर आज मैं जाऊँगा। अब हम दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम 100% फार्म भर लेंगे और सारी बहनों के खाते हम खुलवाएंगे घर घर जाके। और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि रात के 9-10 बजे तक ये घर घर जाके बहनों के फार्म भर रहे हैं और बहनों की लाल लग रही है और बहनों को बढ़िया बैठने की हमने व्यवस्था की है। बहन हमारी एसी और कूलर में पंखे में बैठी हैं, इसलिए कोई बहन को दिक्कत नहीं आए। हमने पर्चियां इसलिए बटवाई जिससे हम भीड़ ना हो, इसलिए जिसका जैसा नंबर आता हमारी बहन लाइन से आती है और सभी बहनों का विधिवत हम फार्म भर रहे हैं और पार्थिव भी उनको बहनों को दे रहे हैं और बहुत सुचारू रूप से हमारा काम चल रहा है। पोहरी से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकड़ की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.